गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर सेवन, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। वोंका वाइट एक दवाई है जो लोगों को जवान बनाने के लिए काम आती है। तो मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट, मिस्टर विली वोंका ने वोंका वाइट जो दवाई है उसकी खोज करना स्टार्ट किया था। विच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को क्या बनाती है, और भी ज्यादा जवान बनाती है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वोंका वाइट है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। सो सम पीपल डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाना, तो उसकी वजह से कुछ लोग तो क्या हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं। बिकॉज दियर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि जो उनकी एज है वो माइनस में चली जाती है। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, और एक आदमी तो वास्तव में माइनस 87 ईयर्स पीछे चला गया था। विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक, और इसका मतलब ये है कि अब उसे वापस आने के लिए 87 इयर्स तक का इंतजार करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, अब मिस्टर विली वोंका ने एक नई चीज की खोज करना स्टार्ट की थी। मिस्टर वोंका सैड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माय स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंका कहते हैं कि अब इसलिए अब मैंने अपनी जो स्लीव्स हैं उनको रोल अप किया और अपने काम के लिए बैठ गया। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन, स्क्वीज मीन्स होता है जोर लगाना या दबाव देना, कि एक बार फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, एक न्यू रेसिपी यानी एक नई चीज की खोज करने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, और मुझे एज क्रिएट करनी थी। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को और बूढ़ा बनाने के लिए। Old, older, oldest, I cried, मैं चिल्लाया, बूढ़ा और उससे भी ज्यादा बूढ़ा। For now the ideas were beginning to come, और अब मेरे दिमाग में ideas या विचार आने लगे थे। What is the oldest living thing in the world, कि इस संसार में सबसे पुरानी जीवित चीज क्या है। What lives longer than anything else, कि ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा समय तक जीवित रह सकती है। अ ट्री, चार्ली सैड, चार्ली ने कहा, एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम बिल्कुल सही हो। बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस तरीके का पेड़। नॉट द डगलस फर भी नहीं। नॉट द ओक ट्री भी नहीं। नॉट द सिडार भी नहीं। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे। It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. कि it is a tree called, यह एक ऐसा पेड़ है, called the bristlecone pine, जिसे हम bristlecone pine कहते हैं, that grows, जो कहाँ पर पाया जाता है, USA के नेवादा में, जो Wheeler Peak की पहाड़ियाँ हैं, उनके ढलानों पर यह पेड़ पाया जाता है। You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4000 years old. कि you can find bristlecone pines, कि आप bristlecone pines के जो पेड़ हैं on Wheeler Peak today, उन्हें आज आप Wheeler Peak पर भी देख सकते हैं, that are over 4000 years old, जो कि अब 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। This is fact, Charlie, यह वास्तविकता है चार्ली। Ask any dendrochronologist you like, कि अगर आप चाहो तो किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यानी जो पेड़ों की उम्र बताने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे पूछ सकते हो। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज, और जब आप अपने घर जाओ तो आप इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में भी देख सकते हो, क्या आप ऐसा करेंगे। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और फिर मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. कि मैंने great glass elevator में jump किया and rushed all over the world, और पूरे संसार में ये चीज ढूंढने के लिए निकल पड़ा, कि जो सबसे पुरानी जो जीवित चीजें हैं उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वो चीजें क्या हैं?
a pint of sap from a 4000 years old bristlecone pine. एक ब्रिसलकॉन पाइन का अ पिंट ऑफ सैप जो 4000 साल वर्ष पुराना है. द टू नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच गैग्रोविच. एक किसान, एक रशियन किसान जिसका नाम क्या है, पेट्रोविच और ग्रेगोरोविच, उसका 168 साल पुराना जो नाखून है, टो नेल यानी अंगूठे का जो नाखून है वो, एंड एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, कि किंग ऑफ टोंगा से संबंध रखने वाला एक टॉर्टोइस यानी कछुआ जो कि 200 साल पुराना है उसका एक अंडा. द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया के एक 51 साल पुराने घोड़े की पूंछ. द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, की एक बिल्ली जिसका नाम क्रम्पेट्स है जो 36 साल पुरानी है उसकी मूछ. एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स. फ्ली मीन्स होता है कि मच्छर, एक ऐसा पुराना मच्छर जो कि क्रम्पेट की त्वचा पर 36 सालों से रह रहा है. द टेल ऑफ अ 2007 ईयर्स, the tail of a 207 year old giant rat from the Tibet, कि तिब्बत का एक बहुत ही विशालकाय चूहा जो कि 207 साल पुराना है उसकी पूंछ. the black teeth of a 97 year old grimalkin living in a cave on mount Popocatepetl, कि एक ग्रेमलिन जो कि कहां पर पाई जाती है, माउंट गुफा में पाई जाती है, माउंट Popocatepetl की गुफाओं में पाई जाती है जो कि कितने साल पुरानी है, 97 साल पुरानी है, उसके ब्लैक कलर के दांत. द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू, और पेरू के जो कैटलू है वो 700 साल पुराने, उसके हड्डियां, ये सब चीजें वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं. तो आज हम इसे इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.